अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मोहम्मद अफ़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचती रहें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि फर्टाइल और इनफर्टाइल का कैसे पता लगाया जाए कि एग फर्टाइल है या इनफर्टाइल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनफर्टाइल और फर्टाइल एग का कैसे पता लगता है। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए आपके सामने ये दो एग्स हैं। अब हमने इसमें चेक करना है कि कौन सा फर्टाइल है और कौन सा इनफर्टाइल है। तो राही होगा, ये छोटी छोटी जो वेन्स आपको नज़र आ रही हैं इससे पता लगता है कि ये एग फर्टाइल है। इसमें बेबी जो है वो ग्रोथ कर रहा है, मतलब इसमें जो बच्चा है वो बन रहा है। आपको बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र आ गए ये छोटी छोटी वेन्स जो आपको नज़र आ रही हैं इस पर, तो इसका मतलब है ये एग फर्टाइल है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा एग दिखाता हूँ जो इनफर्टाइल है, जिसमें बच्चा नहीं बना, बेबी जिसमें ग्रोथ नहीं कर पाया। देख लीजिए ध्यान से, फिर भी वेंस वगैरह नज़र आ रही होंगी आपको अच्छी तरह। ये छोटी छोटी लाइनें सी रेड रेड कलर की जो हैं। ओके व्यूअर्स, मैं अब आपको एक इनफर्टाइल अंडा दिखा रहा हूँ जिसमें बच्चा नहीं बन पाया, थोड़ा सा बना है और फिर वो बच्चा जो है ग्रोथ नहीं कर पाया, मर गया किसी वजह से, ठंड की वजह से हो गया होगा। ये देख सकते हैं आप, ये इनफर्टाइल अंडा है। और एक और जो इनफर्टाइल अंडे जिस वजह से होते हैं वो ये है कि आप लोग इन्हें लूसन वगैरह नहीं देते, विटामिन वाली दवाई नहीं देते। विटामिन की काफ़ी दवाइयाँ होती हैं, जैसे एडिक वगैरह होगी, वाइटासोल सुपर होगी। वैसे लूसन से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, आप लूसन दिया करें, आपके इंशाल्लाह कभी अंडे इनफर्टाइल नहीं होंगे। और जो है अक्सर अंडे होते हैं जिनमें तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, सफ़ेदी और जर्दी बिल्कुल जो है बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें तो फिर भी जो मैंने आपको एग दिखाया है, बच्चा बना था लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाया। लेकिन अक्सर अंडे होते हैं जिनमें बिल्कुल फ़र्क नहीं होता, तो ये इसी वजह से होता है कि आप लूसन वगैरह नहीं देते इन्हें। तो लूसन वगैरह इन्हें देनी चाहिए, इनसे इनके एग में जो बेबी होते हैं वो ग्रोथ भी सही करते हैं और अच्छे जो बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल सही प्रॉपर बच्चे निकलते हैं, मतलब कोई कमी पेशी नहीं होती इनमें। तो ठीक है ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही।